हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड दिस इज़ फर्स्ट डे, दिस इज़ माय फर्स्ट डे इन मेलबर्न। एंड फर्स्ट डे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सोया है। अभी बज रहे हैं शाम के 4 एंड मैं 3 बजे सो के उठी हूँ। उठने के बाद मैंने नहा के अभी बस मैं चाय एंजॉय करने वाली हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बनाई है। अभी मुझे फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है। यश मुझे सब बना के दे रहा है। कल उसने मेरे लिए पुलाव बनाया था और आज मेरे लिए अभी उसने चाय बनाई है। वो तो उठ गया था, उसने वही पुलाव खा लिया रात वाला, क्योंकि मैं सो रही थी तो ही सेट मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ। और मैं उठ ही नहीं रही थी क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। मैं 3 दिन से सो ही नहीं थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मुझे नींद नहीं आती है, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ, मेरी नींद लगती ही नहीं है। तो उसके बाद मैं हमेशा बीमार भी पड़ती हूँ। मैंने बहुत कम ट्रैवल किया है ना लाइफ में, सो मुझे इतनी ट्रैवलिंग की आदत नहीं है। सो आई स्लेप्ट होल डे टुडे। और कल भी हम लोग आने में काफ़ी लेट हो गए थे। हम लोग 9:20 लैंड कर लिया था फ्लाइट ने, बट इमिग्रेशन में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सो हमें 2 घंटे 2.5 घंटे बाहर आने में लग गए। आई थिंक हम 11:30 और 12ish अराउंड बाहर आए थे। एंड उसके बाद फिर घर आते आते हमें 1:30 बज गए थे। एंड उसके बाद फिर मैंने नहाया, यश ने मेरे लिए पुलाव बनाया, हमने वो खाया। 3 बज गए सोते सोते। उसके बाद फिर अभी 3 बजे मैं सो के उठी हूँ 12 घंटे के मस्त नींद के बाद। और अब मैं चाय, बिस्किट और कुछ नमकीन ये इन्जॉय करूँगी। फिर हम लोग जाएंगे बाहर, क्योंकि यहाँ से हमारे घर से कुछ दूर ही बीच है। लाइक यश ने मुझे बताया था सिर्फ 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे बीच है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ बीच के नाम से ही, मुझे बहुत पसंद है बीचेस। सो हम लोग शायद अभी बीच जाएंगे और कुछ सामान खरीदना है हमें घर का, तो हम लोग अभी वो लेने जाएंगे। हेलो गाइस, सो आई एम गेटिंग रेडी टू गो टू द बीच। जस्ट अ लिटिल स्किन टिंट। Now we are leaving. This is what I'm wearing. हम जाएंगे बीच और कुछ सामान खरीदना है ग्रोसरी स्टोर से, तो अब हम जाएंगे वहाँ और फिर बीच। Finally! पर 9 बजे तक अंधेरा नहीं हो रहा है, राइट? गर्मियों में 8:30 बजे तक। अभी बज रहे हैं 5:30। निकलते निकलते हम फिर से बहुत लेट हो गए, क्योंकि मेरा सारा सामान सूटकेस में है, ट्रॉली में है, और मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी, तो मुझे सब ढूंढना पड़ रहा था। ऐसे हंसी आ रही है क्योंकि आराम से बैठ के अपना गेम खेल रहा था और मैं सामान ढूंढ रही थी। तो मैं कल सारा सामान शिफ्ट करूंगी। पहले तेरे को चेक क्या चाहिए? बोर्नवीटा। रास्ते में जो पहले आ रहा है वहाँ चलता है। अगर बीच पहले आ तो पहले बीच चलता है, आते मैं ले लेती हूँ। स्टोर्स बंद हो जाते हैं क्या? पर हाँ, तो पहले वो ले लेती हूँ। हम आए हैं इंडियन स्टोर और यहाँ सब मिलता है, सब मिलता है गाइस। चाय है ना अपने? ओह, बोर्नवीटा मिल गया, थैंक गॉड। यहाँ सब है, चाय, वन वेटा, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज हियर। आई एम सो हैप्पी। यहाँ से घी लेना है, तो मैंने कभी खरीदे ही नहीं है ये सामान घर पे अपना, मुझे पता ही नहीं कौन सा लेना। छोटा वाला लो, बड़ा वाला लो, अमूल का ही लो, छोटा ले लो भी। हमेशा मम्मी ने लिया है ये सब सामान, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं है। पर अमूल सुना हुआ है, अमूल का ही लेता। अमूल को ही लेता हूँ मैं। अच्छा, आप तो लेते हो यार। बड़ा ही ले लो फिर, काम ही आना है वो तो। एंड और हमें क्या लेना है? जैन शेजवान चटनी भी आती है गाइस। ओए जैनी, वो भी जैनी। मैं अभी अभी बनी हूँ ना, रीसेंट। आप पुराने हो। यश को लग रहा है मुझे रोटी बनाती नहीं आती, तो मुझसे पूछ रहा है आटा ले या ना ले। आई विल शॉक यू।
मुझे आती है गाइस गोल रोटी बनाते हैं, मेरी भाभी मम्मी ने सिखा के भेजा मुझे ट्रेन करके। देखता हूँ, समझे? देखता हूँ मैं, देखता हूँ। अगर आपका मन है तो आप अभी भी वो क्या वो क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं क्या बोलते उसको, ये ले लो पांच, वो रोटियां को क्या बोलते हैं मैं भूल गई, रेडीमेड। हाँ अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो, मेरा काम और इजी हो जाएगा। वो मैं तो नहीं खाऊंगे, तो बस आदत खाना ही है, समोसा खाना है और नहीं। मैं बहुत समोसे गाइस, मैं आने के पहले मैंने आई थिंक एक हफ्ते पहले से यही सब खाना चालू कर दिया था, समोसे कचौड़ी जो जो मुझे पसंद है। एक हफ्ते बाद बोलेगी देखना कि मेरे को समोसे कचौड़ी ये सब खिला दो। अरे मैं बना लूंगी, अभी मुझे कौन सा कुछ काम है, अभी फ्री हूँ, अभी मैं खाने पे एक्सपेरिमेंट करूंगी सारे। समोसे बनाएंगी? बना लूंगी, उसमें क्या है इसके ऐसे देखो गाइस ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, बट आई विल शॉक यू। ब्लॉग में दिखाना सबको फिर तो बना के चलो ठीक है, तीन चार दिन लग जाएंगे तेरे को समोसे बनाने में। देखता अगर मैंने बना दिया फिर आप मुझे क्या दोगे, जो बोले। गाइस आईफोन 15 इज कमिंग, 1 TB वाला। गाइस यहाँ के सुपर मार्केट में बिंदी और चूड़ियाँ भी मिलती है, जो इंडियन सुपर मार्केट होता है उसमें बिंदी भी होती है चूड़ियाँ भी होती है। हम बिंदी रख के लाई स्पेशली इसलिए, पता नहीं वहाँ यहाँ मिले ना मिले, तो मैंने रख के लाई हूँ क्योंकि मैंने कुछ इंडियन आउटफिट्स भी रखे हैं। आई लव वेयरिंग इंडियन, सो मैंने उसके लिए रखी है। यहाँ सब मिलता है, बहुत कौवे हैं ना, बहुत खतरनाक कौवे हैं यहाँ पे। हाथ से कुछ खा रहे हो ना तो ऐसे छींक लेके जाएंगे वो, सीरियसली लिटरली। यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो भी वार्निंग भी इशू कर दी थी बीच में, बहुत सी जगह मतलब फीड करना अलाउड नहीं है वाइट कौवों को, क्योंकि बहुत एग्रेसिव होते हैं। अरे एक एक को मैं फॉलो करती हूँ, ये मेलबर्न की ब्लॉगर है, तो उसके पीछे पड़ गया था, मतलब वो भाग रही थी और वो लिटरली उसके पीछे आ रहा था। स्टेशंस में होते हैं बहुत, स्टेशंस में, और इसको ऐसे सिर पे ऐसे मार भी देता था ऐसे अपनी चोंच से, बीच में होते हैं इतना अग्रेसिव होते हैं यार। इंडिया के तो जानवर भी अच्छे हैं, यहाँ के जानवर भी बेकार हैं। और यहाँ पे मैंने एक वीडियो देखी थी किसी की, इतने बड़े बड़े लिजार्ड्स घर में आ गए थे उसके, ऐसा भी होता है क्या? वो देख के मैं डर गई थी, तो वैसा होता मुझे तो हार्ट अटैक के आ जाए, मुझे छोटी छिपकली भी बर्दाश्त नहीं होती थी इंडिया में, ऐसा होता है क्या यार? होता है तो अपने घर पे भी आ सकते हैं? नहीं अपने घर ऊपर है, सब गेट लगा के रखूंगी मैं भाई, कभी आ गया तो आप ऑफिस में रहो और आ जाए कभी तो बाहर आ जाना, गेट लगा के रखूंगी सर। ये वाइट कौवे अग्रेसिव होते हैं जो, यश मेरे पिक्चर्स क्लिक कर रहा था, देन आंटी सेड कि वो हम दोनों के साथ में फोटो खींचेंगे, और आंटी ने बोला था चिपक के फोटो खिंचवाना है। आंटी को एक्सपीरियंस है अब। थैंक यू सो मच आंटी, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम शांति है। ओके माय नेम इज अंशिता, अंशिता अंशिता ब्यूटीफुल। इसका आज पहला दिन है। हाँ वो बता रही है। यू केम ऑन अ वेरी नाइस डे। या इट्स अ प्लेजेंट डे, ब्यूटीफुल वाटर। I'm been here 44 years. Oh, you are here for 40 years. It's 44 years ago. Oh, yes. Nice. अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ, वहाँ सिटी में इतनी गर्मी थी और यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना प्लेजेंट वेदर है। आई एम लविंग इट ऑलरेडी। सी हाउ प्रिटी, आई ऑलरेडी लव बीचेस, आई लिविंग इन अ सिटी वेयर द बीचेस like a dream come true. I love it here guys, it's so pretty. Melbourne is so pretty. Yeah,
बहुत ठंडी हवा चल रही थी बीच के पास। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, हम वहीं से व्यू एंजॉय करेंगे। यहाँ आते ही गर्मी लगने लगी, वहाँ बहुत ठंडी हवा थी। ओ गॉड, आईफोन, यश के आईफोन में पूरा आई वॉच में ये सब दिख रहा है इसको, वो हंस रहा है आगे से मुझे देख के। से आ गए हैं घर पे और भूख लग रही है, सो आलू की सब्जी और पराठा बनाने का मैंने डिसाइड किया है। मैं कभी कुकिंग नहीं करती थी, ना ही मुझे शौक है कुकिंग का। आई एम अ नूब व्हेन इट कम्स टू कुकिंग। अब मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, थोड़ा बहुत मुझे आता है, मेरी मम्मी और भाभी ने सिखाया है, बट अंदाज़ा मुझे ज़्यादा नहीं है कि कितना आटा लेना चाहिए, कितनी, अगर दो लोगों का खाना बनाना है तो ये सब मुझे नहीं पता। बट मैंने 3 कटोरी आटा लिया है अभी फ़िलहाल। लेट्स सी, अब मैं बना रही हूँ पराठे। सो फर्स्ट टाइम कुकिंग इन माई हाउस नाउ, माई न्यू हाउस नाउ, सो लेट्स सी, लेट्स शॉक यश। मुझे पराठे बनाते आते हैं, उसको नहीं पता ये चीज़, अपने स्किल्स छुपा के रखी है मैंने। ये मुझसे मसाले लेके आया और सारे एक एक करके पूछ रहा था कौन सा, मैंने इसको सब करेक्ट बताया है। ये मुझे बहुत ही ज्यादा नूब समझता है। शट अप, लेट मी फोकस गाइस। मेरी सासू माँ ने बोला था कि कुछ भी खाना बनाने के पहले फर्स्ट टाइम पूजा करना, उसके बाद नौकार मंत्र बोला, फिर पूजा खाना बनाना। लेट्स डू सम पूजा। हमने करती है पूजा गैस की। मेकिंग पराठास। दिस व्लॉग, हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अब मैं मेलबर्न आ चुकी हूँ, बहुत फन होने वाला है, बहुत फन फन वाले व्लॉग्स आपके सामने आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत सारे लोग वीडियो देख देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आई होप यू आर एंजॉइंग वॉचिंग माई वीडियोज़। आई एम अ नूब एट मेकिंग व्लॉग्स, बट आई विल गेट बेटर। So stay connected and stay tuned.